परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दें उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। सबको जय यीशु की। आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु की आज्ञा है कि हम एक दूसरे को प्यार करें, ठीक उसी प्रकार जैसे प्रभु ने हमें करके दिखाया है। उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए उनके मित्र बनने के लिए आज वो हमें निमंत्रण देते हैं। प्रभु हमारे बुलाहट को महत्व देते हुए हमसे बताते हैं कि हम उनकी चाहत हैं, कि हम उनकी इच्छा हैं, कि उन्होंने हमें चुन लिया है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें इस सुंदर दिन के लिए और इस सुंदर बुलाहट के लिए। हमेशा उनके मित्र बनकर रहने की कोशिश हम करें, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए हम उनकी पीछा करें। अपने सभी मन्नतों को प्रभु को सौंप देते हुए उनका नाम लेकर हम पिता परमेश्वर से मांगे, क्योंकि उनकी वादा है जो कुछ हम पिता परमेश्वर से उनकी नाम ले तो प्रभु यीशु का नाम लेकर मांगते हैं वो हमें जरूर मिलेंगे। आइए इस कोरोना महामारी के अवसर पर हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि हमें चंगाई मिले, कि हमें मुक्ति मिले, सारी मानव जाति को मुक्ति मिले और इस वायरस से हम सब बच जाएं। हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो हमसे प्रार्थना की मदद मांगे हैं और जिनके लिए प्रार्थना करना हमारा उत्तरदायित्व है। आइए हम एक साथ ये मिसा बलिदान चढ़ाएं और अपने पापों के लिए प्रभु से माफी मांगते हुए हम अपने आप को तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने 32 मास से प्राप्त नवजन्म द्वारा
हमें अमरता के योग्य बनाकर स्वर्गिक जीवन प्रदान किया है। उनके प्रभाव से हमें सुरक्षा और मुक्ति दोनों प्राप्त हो। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं, आमीन। प्रेरितचरित से आज का पाठ, उसका अध्याय 15 पद संख्या 22 से 31 तक। सारी कलीसिया की सहमति से प्रेरितों तथा पुरोहितों ने निश्चय किया कि हम में से कुछ लोगों को चुनकर पौलुस तथा बरनाबास के साथ अंताकिया भेजा जाए। उन्होंने दो व्यक्तियों को चुन लिया जो भाइयों में प्रमुख थे, अर्थात यूदास को जो बरसब्बा कहलाता था तथा सीलस को, और उनके हाथ ये पत्र भेज दिया। प्रेरित तथा पुरोहित आप लोगों के भाई अंताकिया, सीरिया तथा सिसिलिया के गैर यहूदी भाइयों को नमस्कार कहते हैं। हमने सुना है कि आप के हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने, जिन्हें हमने कोई अधिकार नहीं दिया था, अपनी बातों से आप लोगों में घबराहट उत्पन्न की और आपके मन को उलझन में डाल दिया है। इसलिए हमने सर्वसम्मति से निर्णय किया है कि हम प्रतिनिधियों को चुन लें और उनको अपने प्रिय भाई बरनाबास और पौलुस के साथ, जिन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अपना जीवन अर्पित किया है, आप लोगों के पास भेजें। हमने यूदास तथा सीलस को भेजा है, वे भी आप लोगों को वह सच मौखिक रूप से बता देंगे। पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार न डाला जाए। आप लोग देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, रक्त से, गला घोटे हुए पशुओं के मांस से और व्यभिचार से परहेज करें। इनसे अपने को बचाए रखने में आप लोगों का कल्याण है। अलविदा। वे विदा होकर अंताकिया चल दिए और वहां पहुंचकर उन्होंने भाइयों को एकत्र कर वह पत्र दिया। पत्र की सांत्वनापूर्ण बातें पढ़ने के बाद लोगों को बड़ा आनंद हुआ। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाद के आलेलुया। हे ईश्वर, मेरा हृदय प्रस्तुत है, प्रस्तुत है मेरा हृदय, मैं गाते हुए तेरी स्तुति करूंगा। सारंगी और सितार बोल उठे, मैं प्रभात से पहले ही प्रभु की स्तुति करूंगा। अनुवाद के आलेलुया। हे प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूंगा, मैं देश विदेश में तेरा स्तुति गान करूंगा। आकाश के सदृश ऊंचा है तेरा प्रेम और तारामंडल के सदृश तेरी सत्य प्रतिज्ञता। हे ईश्वर, तू स्वर्ग से भी महान है और तेरी महिमा समस्त पृथ्वी पर व्याप्त है। अनुवाद के हालेलुया। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। ये मेरी आज्ञा है, एक दूसरे को प्यार करो। अध्याय 15 अनुवाद के 12 से 17 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, ये मेरी आज्ञा है, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं।
यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा। सेवक नहीं जानता कि उसको स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना है बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तब तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों को ये आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो। ये प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। धन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा, खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। धन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। भाइयों बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, दया भाव से इन उपहारों पर आशीष दें और हमें आध्यात्मिक बलि के रूप में ग्रहण कर अमर उपहार बना लें। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास का कमेमना बलि चढ़ाए गए हैं, पुरानी पद्धति नष्ट करके क्रिस्त ने सबका नवनिर्माण किया और हमें जीवन की पूर्णता प्रदान की है, इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फुला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम प्रार्थते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया
और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे भूतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। ये है हमारे विश्वास का रहस्य है। क्रिस्ट मर गए, क्रिस्ट जी उठे, क्रिस्ट महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, ये आंखियां मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधी ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधी ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से हार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, संत यूसुफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा सुदगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इनी प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इनी के साथ और इनी में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानियों मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ,
तू हमारे पापों पर नहीं अपनी करीसियां के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्यकर्ता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे हाँ ये तो केवल एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे जीवित प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ और मैं इस समय अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ, क्योंकि इस समय मैं संस्कारिक रूप से आपको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ जैसा कि आप पहले से ही मेरे हृदय में हैं, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हमें परम प्रसाद का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम इस संस्कार का अनुष्ठान उनकी स्मृति में किया करें। हमारी प्रार्थना है कि इस दिव्य प्रसाद के प्रभाव से हमारे हृदय में ख्रिस्तीय प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित होती रहे। ये वरदे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद।